नमस्कार, वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। आज हम सीतानगर के एक जगह पे आए हैं। आप देख सकते हो हमारे साथ एक बूढ़ा एक इंसान खड़े हुए हैं। आखिर इन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया है, बल्कि बहुत सारे मीडिया वाले को बुलाए, क्योंकि इनका कहना है, ये देख रहे हो पीछे जमीन, आप ये जमीन इनका है, ये इस यहाँ पे मिट्टी डाला हुआ भी है, आप देख सकते हो। हम बताते हैं मैटर आपको। ये दादू ने हर एक एडमिनिस्ट्रेशन पर गए हैं, उनका बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ के गांव के प्रधान पंचायत इनके पास गए हैं, वो भी इनका बात नहीं सुन रहे हैं। तो इनके पास लास्ट ऑप्शन जो हमें हमारे पास आए और अपना दुख, ये बूढ़ा इंसान का दुख कोई नहीं सुन रहा है, उसके बाद ये मीडिया के सामने आके बोलना चाह रहे हैं। देखिए आप पीछे ये जो जमीन नाम क्या है दादू? अमूल्य हलदर। क्या हुआ दादू, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? अमूल्य हलदर, ये मट्टी डाला इधर आने से हमको मारेगा, डंडा लेके आता, हाँ डंडा लेके आता मारेगा। उसका प्रधान का अम्मा बोलता तुम इधर आने से पतरीपुर जाने पड़ेगा, तुम आपको भेजेगा। हाँ हमको भेजता पतरीपुर, क्या करेगा? क्या ये जगह आपका है? हमारा है, ये नक्शा में है। नक्शा में है? हाँ हमारा, इसलिए बोला नक्शा में जितना खेती है उतना हमको दीजिए, हमको फालतू जमीन नहीं मांगता। हाँ वो भी डिमार्केशन के लिए भगदौड़ी हम करता है आज 4-5 महीना से, अभी कुछ नहीं करता है। डिमार्केशन नहीं करते आपका? हाँ नहीं करता। आपका बच्चे लोग का है? बच्चा ये हैंडीक्राफ्ट लेकर बाजार में केला वाला बिक्री करता ना, पका वाला पीपे हैंडीक्राफ्ट है। और एक बच्चा छोटा है, काम में चले गया। तो उन लोग नहीं आए, आप खड़े हैं धूप में। उन लोग का वो बच्चा को फोन करने से आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम फोन नहीं किया। आपका बात कोई नहीं सुनता? सुनता है। नहीं, यहाँ आप जो बोल रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं सुनता? नहीं कोई नहीं सुनता है, कोई हमारा बात नहीं सुनता है। हमारा खेती अच्छा से। यहाँ का प्रधान जी क्या बोल रहे हैं? प्रधान तो ये रोड बनाता है। अच्छा, ये प्रधान जी रोड बना रहे हैं? हाँ प्रधान जी रोड बनाता है। अच्छा, उसका अपना घर प्रधान का है? हाँ वो घर घर भी वो जगह भी हमारा रिकॉर्ड में वो जगह भी। तो अभी आपको लग रहा है कि प्रधान जी है इसलिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं करेगा, वो तो जगह लेगा हमारे पास से। हमारे पास से बिना पैसा में कोई पैसा नहीं देगा, ऐसे बुद्धू बना के लेगा। लेकिन अभी तक तो मेन बात आ रहा है डिमार्केशन होगा, तभी पता चलेगा किसका जमीन है दादू। हाँ ठीक है, हमको डिमार्केशन करके हमारा पिलर गाड़ के हमको देने से हमको बस है, हम खुशी है। खुशी है? हाँ। आपको मिलना है जमीन? हाँ अभी आपका एज क्या हुआ है? एज क्या हुआ? उम्र जी 80 के ऊपर गया। हम तो आइलैंड गार्ड में उम्र कमती करके दिया, फॉरेस्ट में काम करता था। और ये प्रॉब्लम कब से चल रहा है? ये वाला बहुत दिन हो गया। हाँ परिवार में कौन कौन है? वो लड़का है, लड़का का औरत है, वो दो लड़का है, एक लड़का उधर रहता है, एक लड़का उधर। ठीक है दादू, यही रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, इनका डिमार्केशन जल्दी आके बोलना चाह रहे हैं। देखिए आप पीछे ये जो जमीन है, इनका कहना है कि ये जमीन मेरा है और इस पे कोई और जो क्लेम कर रहा है कि ये जमीन उनका है और उनके हिसाब से यहाँ पे मिट्टी डाला गया है विदाउट इनके परमिशन के। डिमार्केशन इस जगह का नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये कई बार लिख के दे चुके हैं एसी को बाय लेटर, लेकिन अभी तक इस जगह का डिमार्केशन नहीं हुआ है। और हालांकि ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जगह मेरा है और कोई और बोल रहे कि ये जगह उनका है, उसके बावजूद ये क्लियरिटी नहीं हुआ। उसके पहले ही देखिए यहाँ पे मिट्टी डाला गया है। फर्स्ट थिंग ये जो है NH वाले यहाँ मिट्टी डाले हैं। अब
यहाँ पे लोगों का यही परेशानी चल रहा है कि यहाँ पे मिट्टी डालने का परमिशन नहीं दे रहे लोग, अपने जगह पर मिट्टी नहीं डाला जा रहा है। तो यहाँ कैसा परमिशन दिया गया कि ये यहाँ मिट्टी डाले, पूरा बाइक अदर रोड बनाया गया। और मैं बता दूँ, यहाँ सीतानगर का प्रधान का घर है, वहाँ देख सकते हो, ये उन्हीं पर क्लेम कर रहे हैं कि वो इनका जगह कब्जा कर रहे हैं और विदाउट परमिशन यहाँ पे मिट्टी डालकर बाकायदा देखिए बड़ा सा रोड बना चुके हैं, होगा उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो इतना बड़ा मिट्टी डाल के दिए गए हैं एनएच के खिलाफ, अगर कोई गरीब इंसान उनके डाले हुए जगह से थोड़ा सा भी मिट्टी लेते हैं, इन लोग लेने से मना करते हैं। और यहाँ इतने बड़े देख सकते, थोड़ा पैमाने में नहीं है, बाकायदा देखिए यहाँ पे कितने जगह को लेकर मिट्टी डाला गया है। तो एनएच के ऊपर भी सवाल आता है कि रोड तो नहीं बन रहा है लेकिन आप किसी और का जो है काम करने में लगे हुए, आप किसी और को संतुष्ट करने में यहाँ लगे कि हम उनका घर का रोड बना के देंगे। आपको अगर इतना ही करना है तो कोई गरीब का भी करके दीजिए ना, तो क्योंकि रोड का काम है तो आप ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं रोड नहीं बन रहे, पब्लिक इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप यहाँ रोड बनाएंगे तो जो हमारा पब्लिक का रोड है वो कब बनेगा? तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा एक सवाल है कि ये परमिशन कैसा मिला कि यहाँ ये लोग मिट्टी डाल सकते हैं। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।